नमस्कार, मैं डॉक्टर यतेंद्र डागुर, डागुर डेंटल के इम्प्लांट सेंटर की तरफ से। आज मैं आपको जो बच्चे छोटे होते हैं उनको दांत निकलना शुरू हो रहे होते हैं उसके बारे में विषय में कुछ बातें करना चाहूँगा। अक्सर हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं उनका एक यही सवाल रहता है कि क्या छोटे बच्चों की भी दांतों की सफाई कराते रहना चाहिए और ब्रश कराते रहना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं उसके कुछ समय के पश्चात ही आप दांतों की प्रॉपर सफाई करना शुरू कर दें बच्चों के। मार्केट में बहुत अच्छे उस एज के अकॉर्डिंग ब्रश अवेलेबल रहते हैं, उनके थ्रू हम दांतों की सफाई कर सकते हैं। दूसरा, हर 3 महीने के बाद बच्चों का चेकअप अपने निकटती डेंटल क्लिनिक पर जाकर आप कराते रहें। अगर उनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी होना शुरू हो रही है तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा और उसका उचित समय पर एक इलाज आप करा सकते हैं। और रेगुलर बच्चों को ब्रश कराएं, बच्चों को कैंडीज और चॉकलेट से दूर रखें, जंक फूड से दूर रखें। इन सारी चीज़ों का सेवन करने से भी दांतों पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है और दांत बच्चों के बहुत समय से पहले ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और हमेशा याद रखें कि बच्चों को रात में सोते समय भी ब्रश कराएं और रात को बच्चों को सोने से पहले और ब्रश कराने के बाद में कुछ भी खाने पीने के लिए ना दें, विशेष करके मीठी चीज़ों से दूरी बनाए रखें।